हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो भाई न्यूज़ ऐसी है कि वाइज़ाक रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई करा गया है प्रमोट करने के लिए एत्ती कोप्पका टॉयज के लिए। जानेंगे पूरी खबर, आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। देखिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को यहाँ पे ऐसा पहला स्टेशन आइडेंटिफाई करा गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर, इस जोन के अंदर, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंदर, जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा कॉन्सेप्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का। पायलट बेसिस पे होगा फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज। तो ये क्या होगा, कैसे होगा, वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स नो समथिंग अबाउट अन अकेडमी और आपके फ़ायदे की बात। देखिए 27th ऑफ मार्च को अन अकेडमी पे होने वाली है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जिसमें पार्टिसिपेट करने पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलने के साथ साथ आप स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी 15 करोड़ रुपये तक के जीत सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरा कोड सिर्फ IAS यूज़ करें, खुद को फ्री में एनरोल कराएं और इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके साथ यहाँ पे अपने IAS के ड्रीम को पूरा करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर आया है, फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है अकेडमी पे, जिसमें आप 54,000 रुपीस तक सेव कर सकते हो। इसके साथ आपको 3 महीनों का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है, और इसमें भी जब ये डिस्काउंट आप पाओगे तो कैसे पाओगे, तब मेरा कोड सिर्फ IAS यूज़ करके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी सब्सक्राइब करें, इससे बेहतर आपको मौका कभी नहीं मिलेगा। अब आइए हम थोड़ी आपको कहानी बताएं क्या है क्या नहीं। देखिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ये एक मेजर स्टेशन है अंडर ECOR, और इसमें जो एवरेज डेली फुटफॉल होता है ना, मतलब फुटफॉल का मतलब जितने लोग आते हैं, तो समझिए एवरेज डेली करीब 70,000 पैसेंजर्स जो है उनका यहाँ पे अप डाउन होता है नॉर्मल डेज में, और 1 लाख तक, मतलब 1 लाख पैसेंजर्स तक हो जाते हैं जब कभी फेस्टिवल या मान लीजिए टूरिस्ट का सीज़न बहुत पीक पे चल रहा है। तो अब विशाखापट्टनम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमें पता है, एक एजुकेशन हब है, एक ऐसा फोकल पॉइंट है जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज बढ़िया हैं, विटनेस करता है एक अच्छा खासा फ्लो रेलवे पैसेंजर्स का अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से। जब हम विशाखापट्टनम सुनते हैं तो वैसे भी हमारे मन में भी आता है कि कुछ बढ़िया जगह है। ये एक नियरेस्ट मेजर स्टेशन है टू द फेमस एत्ती कोप्पका लैकर वेयर टॉय मैन्युफैक्चरिंग विलेज का। अब देखो जो ये एत्ती कोप्पका टॉयज होते हैं ना, और उसके साथ के रीड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको शोकेस करा जाएगा और बेचा जाएगा इस स्टेशन पे। टेम्परेरी स्टॉल्स वगैरह जो है लगाए जाएंगे रेलवेज के द्वारा, और कियोस्क उस पर सेटअप किया जाएगा एरियाज में, ताकि वहाँ से इजीली एक्सेस कर पाएँ जब बोल्ड कर रहे हों या आपके अलाइट कर रहे हों स्टेशन पर। आइडेंटिफिकेशन क्राफ्ट्समैन का, क्राफ्ट्सवुमेन का ये किया जाएगा लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से, जो इस आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स में डील कर रही होंगी, वही बताएंगी कि भाई कौन क्राफ्ट्समैन है, कौन क्राफ्ट्सवुमेन है, कौन बना रहा है, कैसे क्या उनको कनेक्ट करना है। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकती हैं, किसको, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर को वॉल्टियर, और इसमें अपने प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह लिख के वो दे सकते हैं। ऐसा मानिए कि अगर मान लीजिए लार्ज बहुत सारी मात्रा में एप्लीकेशन मिल जाती हैं तो अलॉटमेंट किया जाएगा ओपन लॉटरी के माध्यम से या पब्लिक ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से। साथ में डिविजनल रेलवे मैनेजर अनूप सतपथी ने ये बात की भी अपील करी है क्राफ्ट्समैन से कि जो एक्सपर्टाइज हैं वुड क्राफ्टिंग में और आ रहे हैं यहाँ से अराउंड द विशाखापट्टनम एरिया, वो भी इस यूनिक अपॉर्चुनिटी का यूज़ करें और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग प्रॉपर करा सकें। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जिससे जो लोकल क्राफ्ट्समैन हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपने क्राफ्ट्स को यहाँ पे शोकेस करके बेचने का। आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।